आप जानते हैं कि ब्रिटिश राज में इंडियन कोबरा को ब्रीड किया करते थे, लेकिन ये कोई इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन का पार्ट नहीं था, बल्कि ये तो इनाम के लिए था। दरअसल हुआ ये कि ब्रिटिश राज के टाइम में जब दिल्ली में कोबरा का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया, तो उससे ब्रिटिशर्स में काफी डर फैल चुका था। उन्होंने एक स्कीम सोची और एक अनाउंसमेंट करवा दिया, ये कहकर कि हर उस इंडियन को इनाम दिया जाएगा जो कि कोबरा मारकर उसका सर लाएगा। दरअसल ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स इंडियंस को नीच और अपना नौकर समझा करते थे। उनकी नजरों में इंडियंस की जिंदगी की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी। उन्हें लगा कि ये इनाम की स्कीम इंडियंस से उनका काम करवा देगी और कोबरास की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। लेकिन हजारों की तादाद में कोबरा के सर आने के बावजूद भी कोबरास की पॉपुलेशन कम नहीं हो रही थी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगा कि इंडियंस इनाम के चक्कर में अंग्रेजी सरकार को बेवकूफ बना रहे थे, खुद ही कोबरा की ब्रीडिंग करवा रहे थे। इससे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इनाम का सिस्टम खत्म कर दिया। उन्हें लगा कि इससे अब ब्रीडिंग नहीं होगी तो कोबरास की प्रॉब्लम ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी। लेकिन ये चाल भी उन पर उल्टी पड़ गई। हुआ ये कि इस अनाउंसमेंट से पहले ही कई लोगों ने कोबरास की ब्रीडिंग करनी शुरू कर दी थी। इस अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने पैसे ना मिलने की वजह से सारे कोबरास को रिलीज कर दिया, जिससे कि कोबरास की पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। इस बात से एक थ्योरी इन्वेंट हुई जिसे द कोबरा इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा इंसेंटिव देना जिससे कि उल्टा प्रॉब्लम और बढ़ जाए। क्या आपको इस बारे में पहले पता था? Share your views in comment section. For more such content, do follow us.